दोस्तों मोगरा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत प्लांट है, या आप इसे जैस्मिन के नाम से भी जानते हैं। बहुत ज्यादा खूबसूरत खुशबू वाली जो फ्लावर का प्लांट समर सीजन का बोले तो इसे बोल सकते हैं। और इसमें काफी ज्यादा वैरायटीज है। ये एक वैरायटीज आप पहले देख लीजिए और अभी एक और वैरायटीज आपको दिखाऊंगी। मतलब आपको यहाँ पर तीन प्लांट दिखाने वाली हूँ। ये एक वैरायटीज है, इसके जो फूल है छोटे होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा थोड़ा राउंड शेप में रहता है। शुरू में जो दिखा है उसकी पत्तियां थोड़ी सी लंबी लंबी रहती है और इसकी जो पत्तियां थोड़ी गोल गोल रहती है। एक और दिखाऊंगी जो सिंगल पेटल का है। तो ये एक कंप्लीट वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको सॉइल किस तरह का लेना है, पॉट का सिलेक्शन, सनलाइट कितनी चाहिए, वाटर कैसे देना है, न्यूट्रिशंस क्या चाहिए और सबसे ज्यादा इस प्लांट को किस चीज की नीड रहती है वो सब चीजें बताऊंगी। और क्या चीज करने से ज्यादा फूल आएगा वो भी बताऊंगी। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इससे पहले भी आप लोगों के साथ मैं मोगरे के प्लांट को लेकर फरवरी मंथ में जो है करने वाला जरूरी काम जो है वो बताया था, उसमें भी मैं एक कंप्लीट वीडियो लेकर आई थी, वो भी आप देख सकते हैं। उसे करने के बाद में आपका पुराना प्लांट जो है बहुत अच्छे से हो जाता है, बट वो फरवरी मंथ में ही करना होता है वो काम। लेकिन आज जो है ये कंप्लीट वीडियो है और इसमें मोगरे से लेकर सभी क्वेश्चन आपको जो है उसका आंसर मिल जाएगा, और नहीं भी मिल रहा है तो आप कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों जब भी आप नर्सरी में जाए इस समय आपको मोगरा से रिलेटेड काफी तरह की वैरायटीज मिल जाएगी। मैंने आपको यहाँ पर तीन तरह की वैरायटीज दिखाया है। ये वाला जो है सिंगल पेटल वाला है और ये वाला देख सकते हैं इसमें गोल गोल से फूल होते हैं। एक लंबा वाला शुरू में दिखाया था। तो जब भी आप नर्सरी में जाए तो आप वैरायटीज मतलब फूल खिले हुए हो वही आप लीजिए, ताकि आपको पता चले कि आप कौन सी वैरायटीज ला रहे हैं। केयर सबकी सेम है लेकिन आपको जो है दिखने में काफी फर्क लगेगा और काफी खूबसूरत भी लगते हैं। शुरू में जो दिखाया था वो अभी मैं आगे भी आपको दिखाऊंगी। वो फूल वो जो है थोड़ा बड़ा साइज का रहता है, ये फूल थोड़े छोटे रहते हैं। सिंगल पेटल वाला भी है, तो काफी वैरायटीज है। आप अपने हिसाब से चूज करके ही ले सकते हैं अगर फ्लावर खिले हुए होंगे तो, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप कौन सी वैरायटीज ला रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले जब भी आप नर्सरी जाए, वैसे तो मोगरे का प्लांट लाने का सही मंथ अगर बोलूं तो आप मार्च के लास्ट में या अप्रैल तक जरूर इस प्लांट को लेकर आए, ताकि आपको पूरा समर और रेनी सीजन में भी आपको बहुत अच्छी फ्लावर जो है मिल पाए। मैं जो है ये सारे प्लांट उसी समय ही लेकर आई थी और उसी समय ही रिपोर्टिंग किया था। अब फर्स्ट टिप्स जो है मैंने मंथ भी आपको बता दिया कि आपको कब लाना है, लेकिन आप चाहे तो इस समय भी ला सकते हैं। अभी आप नर्सरी जाएंगे तो आपको वैरायटीज ऑफ जो है मोगरे का मिलेगा, तो आप ला सकते हैं इस समय भी। और हाँ, फ्लावर आपको थोड़े कम दिन मिलेंगे क्योंकि रेनी सीजन तक ही इसका फ्लावरिंग होगी और उसके बाद विंटर जैसे स्टार्ट होगा ये डोरमेंसी पीरियड में आ जाता है। तो इसीलिए आप जो है मार्च के लास्ट से अप्रैल तक आप ला सकते हैं। सबसे नंबर वन पर है इसके लिए कैसी पॉटिंग मिक्स चाहिए, तो इसको जो है बहुत अच्छी न्यूट्रिशन वाला ही पॉटिंग मिक्स चाहिए। तो आप जितनी मिट्टी है उतना कोकोपीट और उतना ही वर्मी कंपोस्ट मिक्स कर दीजिए, और इसमें भी आप चाहे तो लगा सकते हैं। लेकिन अब जो न्यूट्रिशन है वो है नीम की खली। नीम की खली आप दो मुट्ठी जितना दे दीजिए। यहाँ जो पॉटिंग मिक्स बन रहा है वो 10 इंच के गमले के लिए बन रहा है। एक चम्मच जितना आप फंगीसाइड पाउडर दे दीजिए। और अब जो चीजें है वो काफी ज्यादा जरूरी है। अगर आपने अप्रैल या तक या मई तक मान लीजिए अगर आपने पॉटिंग मिक्स बनाया है तो उसमें सरसों की खली ऐड कीजिएगा, नहीं तो आप स्किप कर दीजिएगा। ये है हॉर्न मिल और उसके साथ बोन मिल, और अब जो है सरसों की खली, क्योंकि मैंने ये अप्रैल के पहले ही कर लिया था तो मैंने इसमें सरसों की खली भी मिक्स किया था। हाई टेम्परेचर है आपके वहां पर अभी, तो आप सरसों की खली को स्किप कर दीजिएगा। ये दोनों तीनों चीजें ही मैंने एक एक मुट्ठी मिक्स किया था 10 इंच के गमले के लिए। और इसके लिए गमला जो चूज करेंगे ये दूसरा पॉइंट है, वो जो है मिट्टी का गमला या टेराकोटा पॉट ही आपको लेना है, सबसे ज्यादा जो है इसके लिए अच्छा रहता है क्योंकि ये समर सीजन का सबसे बेस्ट जो है प्लांट है। तो आपका अगर गमला बहुत ज्यादा गर्मी में हीट अंदर रहेगा ना, तो जैसे प्लास्टिक का कंटेनर आप ना यूज
कीजिए इसके लिए, क्योंकि उसके अंदर काफी ज्यादा जो है गर्माहट रहती है और आपका प्लांट अच्छी फ्लावरिंग नहीं कर पाएगा। तो टेराकोटा पॉट ही आप लीजिएगा, नहीं मिल रहा है तो आप सीमेंट का पॉट यूज कर सकते हैं, बट दो में से कोई एक ही आप कीजिए, बट सबसे अच्छा आपका जो है ये टेराकोटा पॉट ही है। थोड़ा कॉस्टली मिलेगा बट इसी में ही आप कीजिए, अच्छे से पानी दीजिए। अब यहाँ पर आती हूँ मैं दूसरा जो टिप से, जब आप प्लांट को लगा ले तो पिंचिंग जरूर कर दीजिए, ताकि आपका जो प्लांट है वो काफी अच्छे से घना हो जाए। मेरे इस प्लांट में फ्लावर थे तो मैंने 2 दिन बाद इसको पिंचिंग किया था, ये काफी ज्यादा जरूरी होता है, और इससे क्या होगा आपका प्लांट जो है काफी अच्छे से घना हो जाएगा। अब आती हूँ यहाँ पर 3 नंबर टिप्स में, तीसरा जो टिप्स है वो है सनलाइट। इसको धूप की जरूरत सिर्फ 5 से 6 घंटे की ही होती है, इससे ज्यादा अगर धूप आ रही है दोस्तों तो आपका जो प्लांट है उसके जो लीव्स है वो थोड़े से येलो होने लग जाएंगे, और बाकी वो कोई दिक्कत नहीं करता, लेकिन आपका जो प्लांट है बहुत ज्यादा धूप झेल रहा है, आपको इस चीज को समझ जाना पड़ेगा। दोस्तों फोर्थ जो टिप्स है वो है वाटर। आप अपने प्लांट में जब भी पानी दे, जब भी मतलब आपको सुबह देना है पानी या आपको इवनिंग में सूरज बिल्कुल ढल चुका है मतलब उसके बाद आपको देना है पानी, जैसे ठंडक हो जाती है ना वेदर में तब आपको पानी देना है, गर्माहट है उस समय पानी मत दीजिएगा। और पानी जब आप दे तो पूरी तरह से ड्रेनेज होल से निकलने लगे तब आपको बंद कर देना है, क्योंकि इसका जो मिट्टी है वो ज्यादातर गीली ही रहनी चाहिए, मॉइस्ट मिट्टी से पसंद है। दूसरी चीज, आप शाम के टाइम में अपने प्लांट को एक बार अच्छे से शावरिंग जरूर कर दीजिए, इससे आपका प्लांट में बहुत अच्छा जो है एक इफेक्ट पड़ता है और आपके जो प्लांट के लीव्स वगैरह है वो काफी ज्यादा हेल्दी रहते हैं और लिया काफी अच्छे से बनने लगेगी। यहाँ पर अब आती हूँ 5वें टिप्स की तरफ। आप जब देखेंगे आपके प्लांट में फ्लावर खिलकर झड़ चुके हैं, उसके बाद आपको इसमें हर समय पिंचिंग करना है, मतलब जब भी आपके प्लांट में फूल खिल गया, क्योंकि ये एक दिन ही रहता है फ्लावर, उसके बाद जैसे ही आपके इस तरह के जो ब्रांचेस रहेगी जिसमें फूल झड़ चुके हैं या आपने तोड़ लिया, उनको जो है आपको इस तरह से पिंचिंग करते रहना है, ताकि आपका जो प्लांट है वो काफ़ी अच्छे से बुशी बनता रहे, क्योंकि इसमें मल्टीपल ब्रांचेस निकलते रहेंगे और आपका प्लांट जो है कभी भी कली जो है उसमें खत्म नहीं होने वाली है, क्योंकि जैसे ही आपके प्लांट में एक बार फूल आ गया और आप टाइम पर पिंचिंग करते रहेंगे तो आपके जो है ब्रांचेस निकलती रहेगी, और इसी तरह से ही ये वाले ब्रांचेस भी निकली थी, तो आपका जो प्लांट है काफी अच्छी तरीके से उसमें कलियां जो है बार बार बनती रहेगी। और आपको जब भी आपने पिंचिंग कर दिया है अपने प्लांट में और आपको दिखे कि कलियां बनने लगी है, तब आपको देना है अपने प्लांट पे अच्छी न्यूट्रिशंस, यानी 6 नंबर पे न्यूट्रिशंस की बात कर रही हूँ मैं। न्यूट्रिशंस में आप इसको जितना हो सके ऑर्गेनिक खाद ही दीजिए। ये मेरा 8 इंच के गमले में लगा है तो मैं इसमें वर्मी कंपोस्ट 2 मुट्ठी जितना दे देती हूँ, और इसके साथ एप्सम सॉल्ट एक ऐसा चीज है जो इस प्लांट के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, तो आप जब भी खाद दीजिए तो मंथ में एक बार इसे एप्सम सॉल्ट जरूर दीजिए 1 चम्मच जितना दे सकते हैं आप इसको, और उसके साथ सीवीड हो गया मतलब जितना हो सके ऑर्गेनिक चलिए, और एप्सम सॉल्ट इसके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। आप चाहे तो एप्सम सॉल्ट का जो है पानी में मिक्स करके भी आप जो स्प्रे कर सकते हैं इसके ऊपर, वो भी काफी अच्छा रिजल्ट देता है, बट मैं सॉइल में हर महीने दे देती हूँ तो जरूरत नहीं, आप खुद ही देख सकते हैं लीव्स वगैरह कितनी अच्छी शाइनिंग है और फ्लावर की तो कोई कमी ही नहीं है, मतलब इतने अच्छे से 8 इंच के गमले के प्लांट में इतने भर भर के फूल है आप खुद ही देख सकते हैं। तो आप भी इस तरह से इस चीज का ध्यान रखिए, जैसे ही आपके पूरे प्लांट में एक बार फूल खिल चुका है और आपने अच्छे से पिंचिंग कर दिया है तो उसके बाद आपको जो है एक बार न्यूट्रिशन जरूर देना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर जो 6 टिप्स बताए हैं, अगर ये सारा कुछ करने के बाद भी आपका जो प्लांट है वो बिल्कुल भी फ्लावर नहीं दे रहा है तो इसका कारण ये है कि आपका जो प्लांट है उसकी सॉइल जो है उसका पीएच लेवल कुछ ज्यादा हो गया या कम हो गया है, तो उस लेवल को सही करने के लिए मतलब एसिडिक सॉइल बनाए रखने के लिए, क्योंकि इसे एसिडिक सॉइल पसंद है, उसके लिए आपको अपने प्लांट में एक छोटा सा चीज अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपके प्लांट में ये सब करने के बाद फूल नहीं आ रहे हैं तो आपको करना ये है, छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा ले लेना है, नॉर्मली ये मतलब 1 रुपए का भी नहीं पड़ता है, बहुत ही सस्ते में ये मिल जाता है, आप थोड़ा ज़्यादा ला कर रख सकते हैं और छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए उसके, बस इस तरह से आपको जो है लेकर अपने जो ये जो जो भी मोगरे की वैरायटीज़ है उसमें अगर फूल नहीं आ रहे तो बस आपको करना ये है, इसकी जो मिट्टी है उसके अंदर जो है इसको डाल देना है,
इसे करने से आपका जो मिट्टी है वो एसिडिक बनने लगेगा और ये जो है धीरे धीरे आपके प्लांट को जो है मिलता रहेगा, तो आपके प्लांट में किसी भी तरह का नुकसान नहीं होने वाला। इससे काफी अच्छा रिजल्ट मिल जाता है इसे देने से। तो इसे जो है एसिडिक सॉइल काफी पसंद है। अगर आपका प्लांट का सॉइल एल्कलाइन हो गई है तो आप इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने 7 ऐसे टिप्स बताए हैं जिसे अगर आप अपने मोगरे के प्लांट में या जैस्मिन की कोई भी वैरायटीज में अप्लाई करेंगे तो आपके प्लांट में मतलब 100% फूल आने लगेगा। और मेरे सभी प्लांट की कंडीशन मैंने आपको दिखाया है, काफी अच्छी और हेल्दी है। तो आप भी अपने प्लांट को इस तरह से जो है काफी अच्छे से फ्लावर ले सकते हैं। दोस्तों मोगरे के प्लांट में अगर आप पूछेंगे कि मैं मंथ में कितनी बार न्यूट्रिशंस देती हूँ, वैसे तो ज्यादातर हम लोग जो है मंथ में 2 बार न्यूट्रिशंस देती हूँ मैं। जैसे मैंने मेरे जो मोगरा का प्लांट है उसमें कलियां जैसे ही बनने लग जाती है तब एक बार आपको न्यूट्रिशन जरूर देना चाहिए। और जब आपके प्लांट में सभी फूल खिल चुके हैं उसके बाद भी आपको एक बार जरूर से न्यूट्रिशंस देना चाहिए ताकि जो है नए नए जो है कलियां बनने लगे। लेकिन उसमें आपको ध्यान ये रखना है, जैसे वर्मी कंपोस्ट हो गया वो जरूर से आपको देना है। अगर आप कि वहां थोड़ी सी ठंडक है, क्योंकि हाई टेम्परेचर में मैं कभी नहीं बोलूंगी कि मोगरे के प्लांट में आप केमिकल फर्टिलाइजर यूज कीजिए। आपको हाई टेम्परेचर है, बहुत ज्यादा गर्मी में ये खिलने वाले फूल है, तो आपको ऑर्गेनिक ही जो है खाद देना है। अगर आपके वहाँ बारिश आ गई है या आप पूछेंगे बारिश में क्या देना है, तो आप एनपीके वगैरह दे सकते हैं, डीएपी भी दे सकते हैं, हर तरह का खाद आप दे सकते हैं। लेकिन जो 3 चीजें मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है वो आप बहुत ज्यादा गर्मी के टाइम पर देंगे तब भी आपके प्लांट में भर भर के फूल आएगा, और वो भी कोई भी समस्या के बगैर, प्लांट में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बस यही चीजें आज आप लोगों के साथ शेयर करना था। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर से लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। उससे आपको मेरे इस तरह के वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ।